चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र को आखिर कौन जला रहा है, इस वक्त यही सवाल पूछा जा रहा है। ये सवाल इसीलिए अहम है क्योंकि महाराष्ट्र के 3 शहरों से बहुत बड़ी साजिश सामने आई। अहमदनगर से अकोला, नफरत की आग ने 2 शहरों को हिंसा की आग में जला कर रख दिया। वहीं त्र्यंबकेश्वर में एक मंदिर में जबरन घुसने को लेकर विवाद हो गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। तो हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन आखिर ये सवाल उठता है कि क्या ये सीरियल साजिश है, क्या कोई पहले से प्लानिंग रची गई थी कि महाराष्ट्र को जलाया जाएगा इस तरह। अहमदनगर, अकोला, त्र्यंबकेश्वर, नासिक से तस्वीरें, और आखिर इस हिंसा को लेकर दुश्मन कौन है। तो अब सबसे पहले बात नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कर लेते हैं। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में विवाद पर सरकार की कार्रवाई हो रही है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ADG रैंक के अफसर की अध्यक्षता में SIT गठित कर पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया गया है। 13 मई को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ जमा होने की घटना की जांच होगी कि क्यों अचानक से एक ही जगह पर भीड़ जमा हो गई। SIT पिछले साल की घटना की भी जांच करेगी, जब भीड़ मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर में घुस गई थी। और नासिक को जलाने की साजिश भी हो रही है। ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें, आपको हम दिखाएंगे 2 तस्वीरें कैसे माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। ये देखिए 2 तस्वीरें। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ADG रैंक के अफसर की अध्यक्षता में SIT का गठन करके जांच करने का आदेश दे दिया है। तो आप देखिए, माहौल खराब करने की पूरी कोशिश हुई, और आखिर हुई कौन है ये युवक। और पुलिस ने देखिए इन युवकों को रोका है। 13 मई की रात की का ये वीडियो है जब हम आपको दिखा रहे हैं। ये युवक कौन है जो इस तरह से आगे अंदर दाखिल होते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, जबरन घुसने की कोशिश करते हैं, और अब सरकार ने एक्शन ले लिया। और आपको बता दें कि त्र्यंबकेश्वर मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी CM का जो आदेश है वो तो बताया हमने, लेकिन अब CM एकनाथ शिंदे ने बयान दे दिया है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना प्रशासन का काम है, ये शिंदे का कहना है। शांति बनाए रखने में हर समुदाय के लोग साथ दें हमारा, एकनाथ शिंदे ने कहा। ये राज्य में सभी जाति पाति के लोग रहते हैं, और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शासन की है, प्रशासन की है, लेकिन उसमें नागरिक जो है उन्होंने भी सहयोग करने की आवश्यकता है। ऐसा आह्वान मैंने कल किया हुआ है, और कहीं पर भी जातीय तनाव ना निर्माण हो इसलिए सभी समाज के लोगों ने आगे बढ़कर सहयोग करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बनाए, शांतता बनाए रखने की आवश्यकता। और इस मामले में नासिक के IG BG शेखर का क्या कहना है, आपको ये भी सुनवाते हैं। जो उत्तर दिशा का गेट है वहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार पे, वहाँ आने के बाद में सुरक्षा रक्षक ने उनको हटाया। वहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़े देर के लिए रुके, धूप वगैरह लगाए और वो निकल गए। उस सिलसिले में प्रशासकीय अधिकारी, ट्रस्ट के जो प्रशासकीय अधिकारी है, उन्होंने कंप्लेंट्स किया है, तो उस बारे में हम लोग कंप्लेंट की जाँच करके वहाँ अगर उसमें अपराध होता है तो अपराध दाखिल करके आगे की जाँच पुलिस करवा लेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश पर संत भी नाराज हो गए। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की साजिश रची जा रही है, ये संतों का कहना है। सरकार दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ये भी संतों का कहना है। राज्य के सक्षम और शक्तिमान गृह मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का हम आभार जताते हैं, क्योंकि उन्होंने त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई घटना के बारे में तुरंत FIR दर्ज करने को और जो लोग दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही उद्धव ठाकरे के राज में यही कुछ लोगों ने पिछले साल मंदिर में जाने की कोशिश की और मंदिर में घुस गए थे, वह घटना की भी पूरी तहकीकात करने के लिए एक SIP स्थापन की है। ये लोग ये ध्यान में रखें कि महाराष्ट्र में अब भगवे की सरकार है, यहां पर हरे रंग की मस्ती नहीं चलेगी,
उद्धव ठाकरे जैसे नाकामयाब लोगों की यह सरकार नहीं है, यहां पर हिंदुत्व का आवाज रहेगा। अब आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ऐसा हुआ क्या? चलिए घटना की पूरी डिटेल आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं कि हुआ क्या। बिग वॉल के जरिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश हुई, ठीक है। ये जो देखिए 13 मई का वीडियो आपको दिखा रहे हैं रात का। घटना के बाद साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी है। इस वीडियो को देखकर आप समझ पाएंगे कि कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने जबरन घुसने का प्रयास किया। आपको बता दें कि सरकार ने FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। सरकार पूरे एक्शन में दिखाई दे रही है। मामले की जांच के लिए SIT भी गठित होगी, ये भी सरकार की तरफ से आपको बता रहे हैं। और एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि आप हमारा सहयोग करें, जो भी इसमें आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। मामले की जांच के लिए SIT गठित होगी, ये सरकार की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ये जो 13 मई का वीडियो है ये चौंकाता है, क्योंकि मामला मंदिर का है और मंदिर में कुछ इस तरह से तत्व घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये सुरक्षा को लेकर भी बहुत बड़ी सेंधमारी है। और आपको ये भी बता दें अगली बड़ी खबर, क्योंकि नासिक से ये मामला सामने आया, त्र्यंबकेश्वर से मामला सामने आया। अब आपको बताते हैं कि कैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने की कोशिश की गई। ये हमने नासिक के बारे में बताया, लेकिन अब बात अहमदनगर की कर लेते हैं। शहर में अभी हालात कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर तरफ दहशत का माहौल है, लोग डरे हुए हैं अब भी कहीं हिंसा फिर से न पनप जाए। खौफ की वजह से लोग अपने घरों में इस वक्त कैद हो गए हैं। अहमदनगर के हालात आपको बताते हैं। संभाजी जयंती के दौरान जुलूस निकल रहा था और नारेबाजी हो रही थी, तभी दूसरी तरफ से भी नारेबाजी होने लगी, फिर देखते ही देखते पथराव हो गया। पथराव और तोड़फोड़ के वीडियो भी सामने आए हैं। कुछ नकाबपोश डंडों के साथ सड़कों पर आते हैं और अचानक पथराव शुरू कर देते हैं। ये देखिए 8 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये महाराष्ट्र का दूसरा शहर है। पहले हमने नासिक की तस्वीर आपको दिखाई, अब अहमदनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अहमदनगर में बवाल मचा, एक जुलूस के दौरान नारेबाजी होती है, दो गुटों में पथराव होता है और नकाब में उपद्रवी दिखाई देते हैं, फिर दंगाइयों के हाथ में डंडे दिखाई देते हैं। ये CCTV में कैद हो गई तस्वीरें। गाड़ियों घरों में तोड़फोड़ की जाती है, उपद्रवियों से आगजनी की जाती है उनकी तरफ से, फिर पुलिस कार्रवाई करती है। अहमदनगर में जहां हिंसा हुई वहां अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। उपद्रवियों ने गाड़ियों, दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की है। अहमदनगर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि इस वक्त हालात क्या है, देखिए जरा। दंगाई जब मुंह पर नकाब बांध कर गलियों में हाथों में लाठी डंडे लेकर घूम रहे थे, तो जितनी भी गाड़ियां गलियों में पार्क थी उन तमाम गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। ऐसी एक गाड़ी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप देखिए इस गाड़ी के तमाम जो कांच है वो पत्थर मारकर तोड़ दिए गए हैं। एक भी कांच यहाँ पर आपको सही सलामत गाड़ी के आगे से लेकर पीछे तक बगल की में जितने भी ग्लास थे सब तोड़ दिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखिए पत्थर कितने बड़े बड़े पड़े हैं। ये पत्थर दिखा रहे हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी हुई है, और इसके चलते जो हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान पहुँचाने की कोशिश दंगाइयों की तरफ से की गई है। गाड़ी के आगे का हिस्सा आप देखिए, गाड़ी के आगे के हिस्से पर भी पत्थर फेंके गए हैं, पूरी तरह से गाड़ी को डैमेज कर दिया गया है। और इस तरह की तस्वीर सिर्फ एक गाड़ी की नहीं है, हालांकि पुलिस ने बाद में उन तमाम गाड़ियों को स्थानीय लोगों से बातचीत करके हटा लिया, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि दंगाई जो है यहां पर पहुंचे थे वो हाथों में लाठी डंडे और पत्थर लेकर घूम रहे थे, और अलग अलग गलियों में घूम घूम कर जो गाड़ियां पार्क थी उनको निशाना बना रहे थे, दुकानें जो थी उनको निशाना बना रहे थे। आप देखिए ये पीछे का हिस्सा है, पूरी तरह से जो गाड़ी का कांच है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दंगाई थे उनका स्वरूप क्या था, वो क्या चाहते थे, उनकी सोच क्या थी। कैमरा पर्सन जतिन बांद्रे के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, सेवगांव, अहमदनगर। और आपको बता दें कि अहमदनगर में हिंसा के वक्त उपद्रवियों ने एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा, एम्बुलेंस में भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। शेवगांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। हालात ये हैं कि लोगों के घरों के दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, लोग अपने घरों के बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि जिस हादसे से वो गुजरे हैं ऐसी तस्वीर, ऐसे हालात शायद ही उन्होंने जिंदगी में कभी देखी हो। आप देखिए यहाँ पर ये
शेवगांव की रिहायशी बस्ती है और यहां पर लोगों के घरों के दरवाजे बंद हैं, सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, कोई भी आपको शख्स बाहर नजर नहीं आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोगों के अंदर एक डर का माहौल है, क्योंकि इस तरह की तस्वीर उन्होंने शायद ही कभी देखी हो, इस तरह के हालात से वो शायद ही कभी गुजरे हैं। और दंगाइयों का जो स्वरूप था, उनकी जो सोच थी, मनसा थी, वो क्या थी? आप देखिए, यहाँ पर एक एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस पर भी पथराव किया गया। एम्बुलेंस का जो कांच था सामने, ड्राइवर के बगल का जो फ्रंट सीट का ये कांच लगा हुआ है, इसको पत्थर मारकर तोड़ दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो संपत्तियाँ थी, यानी कि चाहे वो सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे वो निजी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर इस एम्बुलेंस के जो मालिक हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस वजह से जो है यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, कौन लोग थे, कितने लोग आए थे, किस तरह से उन्होंने उपद्रव मचाया, क्या हुआ था? परसों रात एक 9:30 बजे कुछ 15-20 जो कट्टरपंथी थे वो आए यहाँ पे और उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की। उनके हाथों में तलवार, सत्तूर और काफ़ी काठियाँ वगैरह थे और उनसे वो हमारे हर संपत्ति का नुकसान कर रहे थे। एम्बुलेंस को यहाँ तोड़ा गया, इसको एम्बुलेंस जैसी गाड़ी को तोड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है? वो तोड़ते समय एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं देख रहे थे, जो सामने आता था उसको तोड़ते थे। अगर कोई आदमी वगैरह भी साथ में आता तो उस पर भी वो हल्ले उन्होंने किया। कोई नारा लगा रहे थे और मुंह पर कोई कपड़ा बांधे थे, नकाब बांध कर घूम रहे थे गली में? हाँ, नकाब बांध कर घूम रहे थे गले में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, ऐसे वैसे काफी नारे लग रहे थे। तो यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, अब देखिए इस तरफ। तो तीन शहर ऐसे हैं महाराष्ट्र के, अकोला, अहमदनगर और नासिक, जहां पर बवाल मचा, माहौल खराब करने की कोशिश की और ये भी बताया जा रहा है कि साजिश के तहत ये सब हुआ।